जालौन में नवनिर्वाचित प्रधानों ने ग्राम पंचायतों में वैक्सीन को लेकर किया जागरूक। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत ही प्रभावी है। यह संक्रमण बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आए दिन इजाफा हो रहा है। तो वहीं ग्राम पंचायत मडोरा शिवम सिंह, करतलापुर अतुल वर्मा, शैतपुरा उवारी मुन्नालाल, मोहम्मदपुर शहजादेपुर उभय सिंह, कैलाश दोहरे कुतलूपुर एको इंद्रपाल सिंह नवनिर्वाचित प्रधानों ने कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया, ताकि किसी तरह संक्रमण फैलने से रोका जा सके। तो वहीं नवनिर्वाचित प्रधानों का मानना है कि कोरोना की जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि जांच के दौरान संक्रमित पाए जाते हैं तो वह स्वयं को आइसोलेट करें, वह दवा लें व अन्य लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करें। वह इस संक्रमण के बचाव के लिए ग्रामों में सैनिटाइज का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे कोरोना को किसी तरह मात दी जा सके, एवं ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान भी किया जा रहा है, जिससे यह संक्रमण कोरोना मरीजों व ग्रामीणों पर हावी ना हो सके। कौन सी ग्राम पंचायत है? शैतपुरवाड़ी। अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, इसमें से कितने मतों से विजयी हुए हैं? हम हुए हैं 197। जी, आगे की पहलुओं पर चर्चा करते हुए आप गांव के विकास को लेकर आपका क्या कहना है, और जो पिछड़े हुए कार्य रह गए तो उनकी क्या प्राथमिकता दी जाए? सब करेंगे, कार्य पूरे जी बगल में पूरे मिलेंगे, जब चार्ज देंगे तभी तो होगा। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें संक्रमण फैलने की अधिकांश आशंका है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए? सफाई के लिए चाहिए, सब पूरी सफाई होना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए जी, इसलिए गंदगी रहेगी तो लोग पैदा होगा जी। जी अतुल कुमार, कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम करतलापुर। अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, इसमें से कितने मतों से विजयी हुए हैं? 285 हो गए। आप नए प्रधान बने हैं चूँकि, और ग्राम में विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी, और जो पिछड़े हुए कार्य हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? गाँव का ये है कि साफ सफाई का विशेष तौर विशेषकर से ध्यान देना है गाँव का, और जो जो अस्त व्यस्त पड़ी हुई है रास्ता उनको सही करवाना जी। कोरोना महामारी का दौर भी चल रहा है, इसमें प्रधानों की भी अहम भूमिका रहती है जी। क्या डायरेक्शन रहेगा जिसके लेके इन संक्रमितों को रोका जा सके? इसके लिए तो ये है, अपना गांव में जो लोगों को जानकारी देना विशेष तौर से कि भाई थोड़ा दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, ज़्यादा आपस में ज़्यादा लोगों में बैठना भी उचित नहीं है। वैसे कौन सी ग्राम पंचायत है? सर ग्राम पंचायत शहजादीपुर। अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, इसमें कितने मतों से विजयी हुए हैं? 155। 155 जी। आगे की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, और विकास की रूपरेखा तैयार करते हुए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, और उनमें क्या उन्मुक्ति रहेगी? गांव की समाज सेवा करना, जैसे हैंडपम्प है, रोड है, सड़क है जी, ये सब। जैसे हमारे यहाँ गौशाला नहीं है, शमशान घाट नहीं बना हुआ है, जनता बहुत परेशान है, जगह नहीं हमारे लोगों के पास, किसी के पास, ये सब समस्या का समाधान करना है जी। जैसे ही कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें कई व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न, शिक्षा से लेके ग्रामीणों तक की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, तो इसमें आपकी क्या राय, और क्या एक विशेष रूप देना चाहिए? हम जागरूक कर रहे हैं सब कि हमारे जितने भी लोग हैं ग्राम पंचायत में, सबको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, टेस्टिंग के लिए सबको दिखा रहे हैं, अस्पताल पहुँचा रहे हैं। एक ग्राम में क्या नज़रिया होना चाहिए जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके? मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, सैनिटाइज करके रखें जी। थैंक यू। जालौन से मनोज शिवहरे की रिपोर्ट, UP 24 न्यूज़।